हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज है 12x60 फ्रंट। इसका 12 फिट दिया, लंबाई इसकी 60 फिट रखी है। इसमें आपको फ्रंट पे एक दुकान दिखेगी, अंदर आपको 2 BHK हाउस प्लान कम्प्लीट दिखेगा। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते अपने 3D प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है 12x60 में ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्प्लीट एरिया कुछ इस तरीके से बनी हुई है आपकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके डाल दिया गया है, वेंटिलेशन का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देख सकते हैं आप। फ्रंट इसका 12 फिट दिया, लंबाई इसकी 60 फिट रखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंप आपको कुछ इस तरीके से उपलब्ध कराई है बाइक पार्किंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ भी उपलब्ध कराई हैं दुकान के पर्पज से, देख सकते हैं आप। ये गेट आपका 3 फिट का लगा हुआ है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको 3 फिट की कुछ इस तरीके से गैलरी दिख जाती है, देख सकते हैं। गैलरी के जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दुकान मिल जाती है। इस दुकान का मैंने साइज रखा हुआ है 8x12। ये 8x12 की आपकी दुकान दी है। फ्रंट इसका 8 फिट रखा हुआ है, लंबाई इसकी 12 फिट रखी। 8x12 की आपकी दुकान उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीना मिल जाता है। कंप्लीट जीना आपका 3 फिट का दिया हुआ है, जीना आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है, आपका पैर रखने वाला 9 इंच का है। इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी, कुछ इस तरीके से सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। जीने के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है बाइक पार्किंग के लिए। यहाँ पे आराम से आप बाइक खड़ी कर सकते हैं अपनी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले बैठक मिल जाती है कुछ इस तरीके से। इस बैठक का मैंने साइज रखा हुआ है 10x11। दीवार को हटा के मैं सारे साइज बता रहा हूँ आपको। 10x11 की भी आपकी बैठक उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं आप 10x11। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिल जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दिख जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से छोटा सा रोशनदान दिया हुआ है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे आपका 1.5 फिट का स्पेस दिया हुआ है, 1.5x5 का। ऊपर मैंने जार रखा हुआ है, फुल वेंटिलेशन आपका होता रहेगा इसका, देख सकते हैं आप। इस लैट्रिन बाथरूम का मैंने साइज दिया हुआ है 5x6.5, 5x6.5 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड बनी हुई है, देख सकते हैं 5x6.5। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 फिट की गैलरी टाइप की दिखती। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गैलरी से आप अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके से ओपन किचन मिल जाती है। किचन के वेंटिलेशन को जिस तरीके से आपको विंडो भी उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप एग्जास्ट यूज कर सकते हैं। इस किचन का मैंने साइज रखा है 5x8। ये 5x8 की आपकी ओपन किचन दी गई है, कुछ इस तरीके से आप अपनी डेकोरेट कर सकते हैं 5x8 की ओनली। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हॉल मिल जाता है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इस पूरे हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है 7x11। ये 7x11 का आपका हॉल दिया गया है, देख सकते हैं 7x11 कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट में कुछ इस तरीके से रूम दिख जाता है। इस रूम का मैंने साइज रखा 11x12। ये 11x12 का आपका रूम उपलब्ध कराया गया है, देख सकते हैं आप 11x12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका प्लान कंप्लीट बना हुआ है 12x60 में ओनली। फ्रंट में आपको एक दुकान उपलब्ध कराई गई है, अंदर आपको 2 BHK हाउस प्लान कंप्लीट दिया हुआ है बाइक पार्किंग के साथ में, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका प्लान कंप्लीट बना हुआ है। कंप्लीट एटी आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, देख सकते हैं आप। ये आपका एंट्री गेट लगा हुआ है, बाकी के यहाँ पे आपको ओपन टेरेस मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से डाल दिया है, लैट्रिन बाथरूम का और किचन का फुल वेंटिलेशन होता रहेगा आपका। ये छज्जा आपका 3 फिट का निकला है, आप अपने हिसाब छज्जा निकाल सकते हैं 2 फिट 2.5 फिट जितना भी आपको निकालना हो। 12 फिट आपका फ्रंट दिया हुआ है, लंबाई इसकी 60 फिट रखी है। 12x60 में सॉफ्ट प्लान हाउस प्लान कंप्लीट आपका बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आया। पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद।